नमस्कार, वीडी टीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार सपा नेता के बेटे और उसके साथियों द्वारा की जा रही पिटाई का वायरल वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रामनरेश यादव सोमवार को अपनी लोडर गाड़ी से ड्राइवर के साथ कृषि रक्षा इकाई महाराजगंज से धान का बीज लेकर शिवगढ़ कृषि रक्षा इकाई गए थे। वहां से वापस लौटते वक्त शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ के पास साइकिल सवार के आ जाने पर ड्राइवर ने गाड़ी दाएं तरफ काटी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ठीक उसी वक्त सपा विधानसभा अध्यक्ष की कार लहराते हुए आई और लोडर के ठीक सामने आ गई, जिसमें दोनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इससे आपा खोए सपा नेता के पुत्र ने साथी के साथ मिलकर लोडर गाड़ी के ड्राइवर को सरेराहा जमकर पीटा। आरोप तो ये भी है कि पिटाई में पीड़ित के कान में चोट आई और पीड़ित को एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। बताया जा रहा है कि भिड़ंत के बाद पीड़ित ने आरोपियों से कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। इस पर आरोपियों ने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, नुकसान की भरपाई तो करवा ही लूंगा, और ये कहकर पीड़ित को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा।